टू डे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर व्हीकल्स चैप्टर इलेवन सो वॉट आर व्हीकल्स वहीकल्स क्या होते हैं सो व्हीकल्स आर बेसिकली मशीन्स ओके और उसके अंदर एक बैटरी होती है और उसके अंदर हमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी ओके सो दीज आर दिंग्स द थ्री थिंग्स दैट द व्हीकल रन ऑन ठीक है एंड देन इट हेल्प्स यू टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पे Okay? So, for example, you all have seen on the roads, okay, on the streets, you have seen buses, cars. Uh, you might have gone to a railway station, you have seen trains there, you have gone to an airport, you have seen planes, or on the terrace, you can see planes flying by. Okay, so those are all vehicles, okay. Trucks, uh, tempos, a lot of other things that are there, and they're all different, different vehicles. So let's read. Come on, children let's play a game climb aboard the chugging train blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please forward backward backward forward but in a line don't run outward stay in line and shut your eyes with open eyes you'll nothing spy so here some children are playing a game a game khel rahe hai. Hai? so kya bol rahe hai? climb aboard the chugging train aboard matlab ऊपर आ जाओ ट्रेन के अंदर आ जाओ एंड चगिंग मतलब ट्रेन की आवाज कैसी होती है सो चगिंग ट्रेन ब्लो ब्लो योर 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 एंड टेक सीट्स मतलब ट्रेन का जो विसल होता है ठीक है लाइक दैट सो ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ यू प्लीज फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन कैसे भी खड़े रहो आगे पीछे खड़े रहो लेकिन एक लाइन में खड़े रहो ओके डोंट रन आउटवर्ड साइडवेज में नहीं दौड़ना है आगे पीछे ही दौड़ना है स्टे इन अ लाइन एक लाइन में रहो एंड शट योर आईज आंखें बंद कर दो विथ ओपन आईज यूल नथिंग पाई अगर आंखें खुली होगी तो चीटिंग हो जाएगी ठीक है चुप 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे स्टॉप 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 ऑल द स्टे नाउ चुप 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे ट्रेन शुरू हो गई स्टॉप 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 ऑल देश से तो रुक जाओ सब स्टेशन ये कहते हैं कि रुक जाओ ऑन रोड ऑफ आयन वी मूव टू एंड फ्रो हियर कम द लाइट एंड देर दे गो अक्रॉस द मेडल्स ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स टेम्पल मिल्स पास्ट विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड With broken walls and a potato field, चुप chuk, chuk chuk, The train is on its way. Stop stop stop. All the stations say. So on roads of iron, iron क्यों लोखन के रास्ते थोड़ी होते हैं नहीं लेकिन ट्रेन के लिए स्पेशल एक रोड बनता है पटरी का रेन रेलवे ट्रैक ओके सो द ट्रेन ओनली गोज ऑन दैट उसके ऊपर ही ट्रेन जाता है एंड वी मूव टू एंड फ्रो अगर ट्रेन के अपने व्हील्स देखे तो वो कैसे आगे पीछे आगे पीछे जाते हैं इंजन के एंड देर दे गो अक्रॉस द मेडोज ओवर हिल्स अगर अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा आसपास माउंटेन्स uh, भी आते हैं गांव भी आते हैं टेंपल्स भी आते हैं और बहुत कुछ आता है ठीक है पास्ट विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड्स विथ ब्रोकन वॉल्स एंड पोटेटो फील्ड्स चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे ट्रेन रास्ते में है और सब स्टेशन ये बोल रहे हैं कि यहां पे रुक जाओ स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स विलेज फेयर राइडर्स एंड मे फ्लॉक्स ऑफ बर्ड क्लस्टर्ड हट्स ब्रिजेस एंड पार्थ धोबी घाट्स स्मॉल टी शॉप पडल्स एंड फ्लॉक्स चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से सो स्मोकी क्लाउड क्या होता है इंजिन का जो धुआं निकलता है वो स्मोकी क्लाउड्स है फेयर्स एंड क्राउड्स आसपास बहुत क्राउड्स है फेय है ठीक है विलेज फेयर विलेज फेयर क्या होता है मेला ठीक है ट्रेन से दूसरे दूर, दूर दूर मेले दिखते हैं राइडर्स ऑफ बर्ड्स तो यहाँ पे मेर मतलब क्या घोड़ा ठीक है जो लोग घोड़े चलाते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड बहुत सारी पक्षियां क्लस्टर्ड हट्स ब्रिजेस एंड पार्क तो ट्रेन में से आपको हट्स भी दिखते हैं आपको ब्रिजेस दिखेंगे आपको पाथ्स दिखेंगे घाट धोबी घाट क्या होता है जहां पे लोग कपड़े धोते हैं ठीक है उसको धोबी घाट कहते हैं स्मॉल टी शॉप्स रास्ते में टी शॉप्स भी देखेंगे। पडल्स एंड फ्लॉक्स कहीं पे पानी गिरा हुआ है कितनी सारी चीजें दिखती है सो so, चुप 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे स्टॉप 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 ऑल द स्टेश से नाउ सिम कैन टेल हाउ डिड यू लाइक द पोएम सो यू कैन से पोएम हैव यू एवर ट्रेवल्स इन अ ट्रेन वेन यस वेन आई गो फॉर समर वेकेशंस कैन अ ट्रेन मूव एनी वेर वाई क्या ट्रेन कहीं पर भी घूम सकती है नो अ ट्रेन कैनोट मूव एनी वेर इट हैज स्पेशल ट्रैक मेड ऑफ आयन ओके ट्रेन खाली पटरी पर ही चल सकती है उसके लिए स्पेशल रास्ता होता है कहीं पे भी नहीं घूम सकती है ओके okay? What is meant by roads of iron? Roads of iron ka matlab kya hota hai? Roads of iron means railway track. It is specially ma made for the train to go on. Roads of iron means the tracks made for the train to go on. Okay, read and write. Which places the train pass by? So, in the poem, train ka gai? Across the meadows. Meadows matlab fields of grass. अक्रॉस द मेडोज ओवर द हिल्स ओवर द हिल्स मतलब माउंटेन्स के ऊपर एंड विलेजेस तो विलेजेस के पास सो दीज थ्री प्लेसेस द ट्रेन पासड बाय विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड इथ आप कौन से कौन से व्हीकल्स में ट्रेवल किया है तो मैंने यहां पर लिखा है ट्रेन में बस में और प्लेन में ओके बट यू कैन राइट योर ओन थिंग्स हि रीड एंड अंडरस्टैंड

कुछ लोग कहीं दूर जाते हैं प्लेन में कुछ लोग बस में जाते हैं कुछ लोग कार्स में जाते हैं सो so, सब लोग अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे अपनी अपनी स्टोरीज शेयर की है ठीक है सो लेट्स सी वेयर दे आर ट्रैवलिंग आई वेंट टू माय अंकल हु लिव्स इन दिल्ली अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस बट दिस टाइम इट वॉज़ ग्रेट फन

तो वो लोग मेट्रो से जाते हैं और जो मेट्रो है वो मेट्रो की एक टनल के अंदर जाती है और उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऊपर से सब गाड़ियां जाती है नेक्स्ट इट वॉज माई बुआज वेडिंग आई मेट मेनी रिलेटिव वी अ गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन Imagine he came from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the palanquin. Okay, so it was Bua's wedding, his auntie's wedding. He met many relatives. बहुत से relatives को मिला वो. ठीक है? वहाँ पे उसका एक भाई आया था. तो वो भाई कैसे आया था? वो aeroplane में आया. कहाँ से? Foreign America से. ठीक है? वो इतने दूर से आया लेकिन एक ही दिन में वहां पहुंच गया प्लेन में और उसकी जो बुआ थी वो एक पैलेक्विन में आई थी तो पैलेक्विन क्या होती है वो पुराने जमाने में चार लोग मतलब दो आगे दो पीछे वो लोग पकड़ के ऐसे बिठा के ले जाते हैं आपको यू कैन सीन द इमेज ओके आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला वेयर शी लिव्स

बैक वाटर्स होते हैं बैक वाटर्स मीन्स वेयर द सी वाटर कम्स इनसाइड द सिटी सिटी के अंदर जो दरिया का पानी है वो अंदर आता है जहां पे वो पानी अंदर आता है उस जगहों को हम लोग बैक वाटर्स कहते हैं वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेशंस द बस मूव्ड ऑन द जिग जैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स इट वॉज वेरी स्केरी वेन वी लुक डाउन वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शिमला माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स आई नेवर गॉट टायर्ड आई एंजॉय वॉकिंग सो द बॉय हियर इज से समर वेकेशन में कहाँ गए थे शिमला और बस कैसे गई ऊपर जिक जैग करके ठीक है और बहुत डरावना था उसकी दादी उसके साथ थी वो दादी बहुत थक जाती थी तो दादी को कहाँ बिठा के घुमाते थे, थे वो लोग हॉर्स के ऊपर नेक्स्ट लेट्स दिस गर्ल इज संग माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाईसिकल एंड रश टू हर प्लेस माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गेट टू नानीज हाउस सो दिस गर्ल यर वैन दे गो टू हर मासीज हाउस वॉट डू दे डू शी टेक्स अ साइकिल वो साइकिल पर आ जाती है और उसकी जो, जो छोटा भाई है और उसकी जो मम्मी है वो लोग रिक्शाओं में आते हैं

तो गांव में क्या रेलवे स्टेशन से लेके गांव में घर तक कोई व्हीकल्स नहीं है अवेलेबल तो दे हैव टू टेक अ बुलाक कार्ट ठीक है टैक्सीज नहीं होती है वहां पे तो वो ब्लॉक कार्ट में गया बुलाक कार्ट क्या होता है यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ऐसा है बुल्स दे पुल ऐसे दो पहिए पे कार्ट होती है और फिर बुल्स पे वो लोग ले जाते हैं ठीक है नाउ विच ऑल व्हीकल्स डिड चिल्ड्रन ट्रेवल इन यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से कौन से व्हीकल्स में इन बच्चों ने ट्रैवल किया है सो लेट्स विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन ये सब बच्चों ने जो स्टोरीज की है, बताई हमको वो कौन से कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किए हैं उन लोगों ने तो यू कैन सी बस ट्रेन मेट्रो बोट साइकिल रिक्शा एरोप्लेन बुलॉक कार्ट हॉर्स ओके नाउ थिंक एंड राइट हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेज रिटर्न बिलो राइट इन द बॉक्स सो यहाँ पे ग्राफ दिया है हमको तो बीच में आपका घर है तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं वेर वुड यू ट्रेवल मतलब ये सब जगह पे आप कैसे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केट तो मार्केट में आप कैसे जाते हैं स्कूटर पर ठीक है फ्रेंड्स हाउस बाई कार उस बाई कार अक्रॉस द सी टू गो इनसाइड दी दरिया में तो शेप बोट अक्रॉस द रिवर रिवर में कैसे जाओगे आप बोट में यू कैन गो इन द शिप ओके रिलेटिव लिव इन हिली एरिया अगर आपका कोई रिलेटिव माउंटेन्स में रहता है तो बाई कार और बाय बस आई रिटर्न कार हि एंड टू स्कूल बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं साइकिल में ओके सो यू कैन राइट है साइकल वैन और रिक्शा ओके एनी ऑफ थ्री थिंग्स नाउ रिमेंबर एंड राइट दे हैव गिवन अस सम इमेजेस हियर एंड यू हैव टू टेल अस व्हाट दीज थिंग्स और दीज व्हीकल्स आर यूज फॉर ओके सो राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर वॉट द व्हीकल इज यूज फॉर इन द स्पेस प्रोवाइडेड Draw the pictures of some other vehicles. Write their names and what they are used for. All are these vehicles used for our travel. Okay, so let's see. The first one is a cart. Cart is used by fruits and vegetable vendors. Okay, a post van or a mail van. ंग लेटर एंड पार्सल्स बाई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ट्राई साइकिल यूज बाई हैंडीकैप्ड पीपल इसमें तीन पहिये होते हैं यू कैन सी और जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं या पैर नहीं होते हैं ये लोग ये साइकिल यूज करते हैं ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर्स फॉर प्लाउंग द फील्ड ओके ट्रैक्टर के पीछे एक रिपोर्ट uh, A fork, it's called a fork, they fix it and then they pull with it. So, what they do? They plow the fields with that. Double decker bus. Okay, earlier we used to have double decker buses, but now they have stopped. So double decker bus, it is used to carry people from one place to another. Ambulance to carry patients during emergency situations. ओके यू ऑल सीन एम्बुलेंसेज नाव यू हैव टू ड्रॉ टू वेहीकल्स एंड यू हैव टू राइट अबाउट दम ओकेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन ऑन वन साइड इन द कॉलम राइट नंबर ऑफ व्हील्स एंड राइट इट्स यूजेस इन अदर कॉलम ओके सो फॉर एग्जाम्पल क्या करना है पहले कॉलम में हम हमारे पास व्हीकल्स हैं सेकेंड कॉलम में हमको कितने व्हील्स है वो लिखना है और थर्ड कॉलम में वो कौन सी कौनसी, -कौनसी चीज के लिए यूटिलाइज होते हैं सो फर्स्ट वी हैव बस तो बस के कितने व्हील्स होते हैं फोर व्हील्स या सिक्स व्हील्स सिक्स व्हील्स क्यों क्योंकि अगर आप पीछे की साइड देखोगे तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट में दो व्हील्स है और राइट right में भी दो व्हील्स व्हील्स ओके Now, a bus is used for traveling, for tour, for social work. Then, a bullock cart, two wheels, bullock cart has two wheels, okay, to carry things. Rickshaw, how many wheels? Three, to carry passengers. Car, a car has four wheels, okay, it is used for traveling. For work and for family outings. Okay, if you can think of some more, you can write some more. Now, the remaining two you will do on your own: aeroplane and bicycle. Okay, think and tell. Which kinds of vehicles are used nowadays? So, these days we have cars, planes, trains, rockets, and other modern vehicles. Okay. Which vehicles were used before 20 years? So in the olden times they used to have bullock cart, camel cart, horses, etc. Okay. How did people used to travel when there were no vehicles? So vehicles nahi no travel karte So they used to travel on horses or by walking. Now you will ask your family or your friends or people, your neighbors, what vehicles they used Okay. So, your mummy. So, I've written my mummy uses a, a scooter and a car. My friend, he uses a car. My cha cha, my uncle, he also uses a car. My teacher, he uses a scooter. So, similarly, you will write the people, the various people you want to ask, okay, your neighbors, your friends, or whatever, and what vehicles they use. Now, we will learn how to make a train. So, how will you make a train? With the help of the pitcher, make a toy train using empty match boxes. So you all know what match boxes are, take okay? care. so you will take match boxes like this, and you will take what these wheels. For these wheels, you can take Pepsi or Coke, the empty cap bottles. Okay, you can take those covers, the covers of those bottles, and you can paste them here, and you can make wheels for them. so this is how you will make a train okay do it with your parents now sounds of vehicles okay if anybody makes a चक chuk sound you know at once that it is being made for a train तो so, जब छुप छुप का आवाज आता है आपको पता है कि नहीं ये ट्रेन का ही आवाज है ठीक है तो वैसे ही हर एक चीज का एक आवाज होता है जिसे हमें मालूम पड़ता है कि नहीं ये आवाज होगा तो ये यही व्हीकल का है सो फॉर एग्जाम्पल छुप छुक इज गिवन टू अस Train. Okay Pom Pom That is of a truck That is of a motorcycle Peep Peep That is of a scooter Tuk Tuk That is of a horse cart jab a tuk 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 And then Tring Tring That is of a bicycle So these are some sounds of the vehicles That are there on the When they go on the road Where have you heard the maximum noise? So I have heard the maximum noise in a factory. Do you like so much noise? No, I don't like so much noise. Why? Because it hurts my ears. तो आपने सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ सुना है और आपको वो आवाज़ पसंद थी या नहीं पसंद थी और क्यों? So you will write that. So here we have an image. Let's see. वट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर आप क्या सब दे सकते हो ये पिक्चर में देर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग फायर मैन आर देर एंड दे आर पुटिंग आउट द फायर द पोलिस कार एंड द एम्बुलेंस इज ऑल्सो देर सो ये सब चीजें ये पिक्चर में ऑलरेडी है विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर कौन सी कौन सी व्हीकल हम हमें पिक्चर में दिख रही है वी कैन सी अ फायर इंजिन अ पोलिस कार एंड एन एम्बुलेंस What are these vehicles used for? The fire engine is used to carry water by firemen to put out fire. The police vehicle is used by the policemen to maintain law and order in the city. The ambulance is used by hospitals to carry patients during an emergency. Okay? Now look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence. द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर वॉट डिड यू गेट ठीक है अभी हमें यहाँ पे ऊपर के जो बॉक्स में है वहां पर कुछ ड्रॉइंग दिया गया है वो सेम ड्रॉइंग हमको लेके यहाँ पे नीचे के जो ड्रॉइंग में नंबर नम है नंबर के हिसाब से ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल वन तो वन नंबर में क्या ड्रॉ किया हुआ है so like this one drawing is there in one number take care so that same drawing you will do here okay now in two number here you can see okay you will draw like this okay it is a little difficult to draw with the computer but you will try and draw it with your pencils okay so this is how you will draw now three number you will find where is it three number is here okay Okay, this is how you will draw, and you will finally make an image. So, let's see what image you come up with. Is, is that clear? Okay, so this is how you will come up with an image. Clear? This is the end of your chapter. Thank you, students.